हिंद कमांडो आज एक नए टॉपिक एक नए विषय के साथ आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ। टॉपिक है कि एसएससी जीडी के जरिए जब आप सीएपीएफ में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, आपके परिवार को क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। हम इतने मेहनत से रिटेन फिजिकल मेडिकल पास करके जब सीएपीएफ के हिस्से बनते हैं तो हमको क्या फैसिलिटी मिलता है, हमारे परिवार को क्या फैसिलिटी मिलता है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी एक भाई ने हमें कमेंट किया कि सर आप पर फैमिली फैसिलिटीज़ पर एक वीडियो बनाइए, और मुझे भी लगा कि जहां हर एक तरफ बात चल रही है मेडिकल मेडिकल मेडिकल, वहां एक न्यू टॉपिक जो बच्चे को फ्रेश कर सके वो लेके आना चाहिए था। तो मैंने सोचा ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आज ये वीडियो आपके और आपके परिवार को क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा उस पर है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको फैसिलिटी मिलता है वो सबसे पहला बेसिक चीज़ है आपका सैलरी। अब बोलेंगे सर सैलरी क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो तो सबको मिलता है, लेकिन सबको मिलता है उससे ज़्यादा आपको मिलता है, इसीलिए वो फैसिलिटीज़ है सर। अगर आप आपके साथ जो बच्चे भर्ती होंगे अदर सिविल सिविल जॉब में, उनका इतना सैलरी नहीं रहेगा जितना आपका रहेगा। तो मेरे हिसाब से सैलरी भी एक प्रकार का फैसिलिटी जो आपके लिए है। दूसरा जब आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो आप पर डिपेंड है, डिपेंड जो आपको माता जी हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन, जो भी आप पे डिपेंड करते हैं, उन सभी का फ्री में इलाज होता है, मेडिकल इलाज होगा जब आप सीएपीएफ के हिस्सा बन जाते हैं। आप उन्हें कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। अभी तो सीएपीएफ ने आयुष्मान से लिंक कर दिया, तो आप और कहीं पर भी करा, जहाँ पर आयुष्मान का वेरीफाई हॉस्पिटल है वहाँ पर आप जाके करवा सकते हैं। तो आपके को मेडिकल फैसिलिटी भी सीएपीएफ के द्वारा दिया जा रहा है, आपके परिवार को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है जिससे उनको कोई समस्या ना हो। उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद देखते हैं सीए। ये होता है एक जो बच्चे को पढ़ाई के लिए जो आपको भारत आपके सीएपीएफ के द्वारा मिलता है, वो लगभग 28,000 हर एक साल में आपको 28,000 मिलेगा एक बच्चे के लिए। अगर आप दो बच्चे हैं तो आपको 56,000 मिलेगा, कि दो से ज़्यादा के लिए नहीं मिलता है। तो बच्चे के एजुकेशन के लिए भी आपको सीएपीएफ एक फैसिलिटीज़ दिया है कि हर एक साल आपको लगभग 56,000 रुपये दे रही है कि आप बच्चे को पढ़ाओ। तो एक ये भी फैसिलिटीज है सीए, जिसे हम सीए बोलते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, तो जब आप छुट्टी में जाते हैं तो आपको सरकार के द्वारा सीएपीएफ के द्वारा रेल टिकट भी दिया जाता है कि आप जब भी छुट्टी जाना चाहते हैं तो अपना टिकट वहीं से कन्फर्म करवा के जा सकते हैं, कहीं अदर जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लगभग आप दो बार सीएल में तो चार बार ले सकते हैं एक साल में। तो ये भी एक फैसिलिटीज़ है जो आपको मिल रहा है, सीएपीएफ के द्वारा मिल रहा है। वो चाहे आप किसी भी फोर्स में हो, चाहे सीआरपी में हो, बीएसएफ में हो, एसएसबी में हो, किसी भी सीएपीएफ फोर्स में हो, तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगा। उसके बाद जो आपका आता है कि जब आपको हम फोर्स में हैं, हमारा कोई ठीक नहीं रहता है या कोई किसी भी इंसान का ठीक नहीं रहता है, अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी आपको कोई चिंता नहीं कि हम हर बात मेरी फैमिली को क्या होगा। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सीएपीएफ ध्यान रखेगी, आप कोई टेंशन, अगर वो जॉब करना चाहेंगी तो उन्हें जॉब में मिल सकता है, जो भी आपकी फैमिली में हो जो आप पर डिपेंड करते हैं, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं। आपके बाद भी उनको सपोर्ट करने के लिए आपकी फोर्स सीएपीएफ खड़ा रहेगा। तो ये एक फैसिलिटीज़ है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके फैमिली को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। उस जो सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार फोर्स में जाने से एक चीज़ जो नहीं मिलता है वो है फैमिली, तो कहीं ना कहीं उस गलत सोचते हैं कि क्योंकि अगर आप फोर्स में हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरा लाइफ आप बिना फैमिली बिना परिवार के साथ रहे काट लेंगे। उसके लिए भी बहुत आपको फोर्स हर एक जगह, जैसे बहुत सारे जीसी है, सबका अपना अपना ग्रुप सेंटर है, वहाँ पर आपको रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि जहाँ अपना फैमिली को आप रख सकते हैं। उसके लिए अगर आप कुछ अदर कोर्स होते हैं वो कोर्स कर लें, या नहीं भी करें, अगर आप बोलते हैं सर उनको कि सर मुझे रहना है, तो आपको कन्फर्म फैमिली के साथ रहने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। तो मन में डर हरा लेना कि अगर मैं फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना, नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप देखे भी होंगे जहाँ आप रनिंग करके होंगे वहाँ पर बहुत सारे फैमिली एक साथ रहते हैं, तो ये भी एक टेंशन का, तो जो फैसिलिटीज मिलती है वो भी सरकार के द्वारा हमको दिया जाता है। उसके सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
जो हमें मिलता है वो है NPS। जब हम ज्वाइन कर अभी तो ड्यूटी में रहते हैं तब तो उनको सैलरी मिलता है, जब हमारा ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, जब हमारे रिटायरमेंट की टाइम आता है तो सरकार एक NPS न्यू पेंशन स्कीम में हमारे पैसा हर एक मंथ जमा करती है, जो बाद में हमको एक फैसिलिटीज़ के रूप में मिलती है, एक एक्स्ट्रा मतलब पहले पेंशन था, पेंशन ख़त्म करके यही NPS मिलता है। मैं एक दिन बताऊँगा कि NPS क्या होता है, लेकिन ये एक आपको फैसिलिटीज़ के रूप में दिया जाता है। तो ये भी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक फैसिलिटीज़ है। तो ये इतने सारे फैसिलिटीज़ हमको दिया जाता है कि हमें कोई दिक्कत ना हो, टेंशन ना हो, हम पूरी तरह से निश्चिंत रहें परिवार को लेकर, खुद को लेकर। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको फैमिली फैसिलिटीज़ और खुद के फैसिलिटीज़ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।